मरकुस 15:26-47। और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के दाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरखे में डुबोया और सरखंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जो सुबेदर उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीना, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसकी पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोते था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सुबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सुबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीना और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम वचन देखेंगे यीशु मसीह के पीछे, जो स्त्री लोग उसको पीछे हो लेते, तब उनके पीछे ही वो लोग यीशु मसीह के साथ पीछे आ रहे थे। उन लोग यीशु के साथ रहते थे, उनके साथ सेवकाई भी उन लोग करते थे। यीशु को पीछे हम देख रहे, बहुत भीड़ उस समय आया था, बहुत लोग यीशु को पीछे आए थे। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम वचन देखेंगे यीशु मसीह के पीछे, जो स्त्री लोग उसको पीछे हो लेते, तब उनके पीछे ही वो लोग यीशु मसीह के साथ पीछे आ रहे थे। उन लोग यीशु के साथ रहते थे, उनके साथ सेवकाई भी उन लोग करते थे। लेकिन इतने भीड़ उनके पीछे क्यों आए? देखिए, बहुत लोग इसके लिए आए थे, हमारा अद्भुत काम होना है, तब यीशु के पीछे मैं जाऊंगा तो मुझे अद्भुत काम मिलेगा। थोड़े लोग इस कारण से आए थे, मुझे छंगाई चाहिए। थोड़े लोग ऐसे आए थे, मेरे बच्चे को जीवन में अद्भुत चाहिए। थोड़े लोग ऐसे आए थे, मेरे लिए जो जरूरत है, मेरा जरूरत है वो पूरा होना है, ऐसे यीशु के पीछे आए थे। थोड़े झुंड ऐसे आए थे, ये इनका प्रचार कुछ काफी अलग ही लग रहा है, कुछ आश्चर्य लग रहा है करके, आश्चर्यचकित होकर उसको सुनने के लिए थोड़े लोग उनके पीछे आ रहे थे। थोड़े लोग ऐसे आए थे, फरीसी लोग, सदूसी लोग, वो लोग ऐसे आए थे,
ऐसी इनका क्या है, इनका पीछे क्यों इतना भीड़ जा रहा है, तब क्या हमसे ये सब बड़ा है क्या, हमसे ये सब जानता है क्या, उसको कुछ न कुछ दोष लगाने के लिए, उसको पकड़ाने के लिए वो कुछ न कुछ कारण ढूंढते हुए थोड़े झुंड उनका पीछे हमेशा। यीशु कहीं भी जाता था वैसे ही वो लोग भी जाते थे। जैसा हम देख रहे पौलुस भी सेवकाई कर रहा था, तभी भी उनको सेवकाई में रुकावट करने के लिए ऐसे थोड़े झुंड कहीं भी वो जाता था उसको विरोध करने वाला, वो लोग जाके वहां लोग कुछ न कुछ बताते रहते थे। वैसे ही अलग अलग लोग यीशु का पीछे आए थे। यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ थोड़े स्त्रियां भी उनको पीछे आए थे, जैसा मरियम मगदलीने, फिर वहाँ याकूब और योहन्ना का माँ, फिर उसका सालोमे करके वो स्त्री थी, ऐसे अलग अलग नामक का स्त्री लोग यीशु का पीछे वो लोग आए थे। वहां देखिए, वहां उन लोगों को उनके साथ रहकर सेवकाई भी किया था, वहां यीशु को पकड़ा गया, वहां यीशु का भी मृत्यु हो रहा है, बहुत लोग निंदा करते हैं, वहां ये एक एक संभव वहां हो रहा है, ऐसे संभव को ये लोग सब वहां खड़े होके देख रहे। सब लोग बोल रहे हैं, ये तो अपने आप को दूसरे को बचाने के लिए मैं आया हूँ ऐसे बोल रहा था, लेकिन अभी अपने आप को बचाओ करके सैनिक लोग सब हंसी मजाक उड़ा रहे थे, यहूदी लोग सब हंसी मजाक उड़ा रहे थे, या सब ये देखते स्त्री लोग वहां खड़े थे। तब इन लोगों को मन में क्या क्या आया होगा, तब हम क्यों गलत आया है क्या, गलत रास्ता को हम पकड़ लिया है क्या, ऐसे ऐसे ही मन में विचार दूसरे कोई होता तो होता होगा। लेकिन इन लोग अंत तक वहां खड़े थे, एक विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर, इन लोगों को एक प्रेम था, तब एक प्रेम का सामर्थ्य देखिए वहां उनको खड़े रहने के लिए हिम्मत दिया। केवल इतना ही नहीं है, उनको यीशु मसीह मरने के बाद उस शरीर को लेके कहां कौन सा कब्रस्तान में रखा, ये तक इसी समय तक उन लोग ने सब जानकारी पाकर उन लोग ने अपने वहां लौट लिया है करके हम देख रहे। तब यीशु मसीह पुनर्तान होने के बाद भी पहला दर्शन ये मरियम मगदलेन के लिए, मगदलेन का दर्शन हुआ है करके हम देख रहे। ये मरियम मगदलेन का बारे में हम देखेंगे, उनके अंदर सात भूत पकड़ी हुई एक स्त्री थी। देखिए प्रभु कैसे भी लोगों को यीशु मसीह का प्रेम का सामर्थ्य वो छुड़ाता है, कैसे भी लोग, कैसे दुनिया के द्वारा इनकार किया हुआ लोग, रिश्तेदारों से छोड़ दिया हुआ लोग, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह स्वीकार करता है। उसका प्रेम में कितना महान प्रेम है, इतना सामर्थ्य है, उसका प्रेम को कोई भी ऐसे कुछ तोल नहीं पाएंगे, कुछ भी चीजों से, कुछ भी लोगों का प्रेम से तुलना नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह का प्रेम इतना महान प्रेम है, ऐसे प्रेम से इन लोगों को यीशु मसीह ने छुड़ाया, इसलिए उन लोग भी देखिए उनका पीछे आए थे। ये लोग बस केवल इतना में नहीं है, दर्शन दिया यीशु मसीह बस इतना में उन लोग को नहीं है, वहाँ वो चेले लोग सब मिलकर वहाँ ऊपर का वो कमरे में वो लोग सब बैठ कर पवित्र आत्मा का वो बारिश गिरा, उसी दिन इन लोग भी उसमें है करके। तब यीशु मसीह का मम्मी मरियम भी वहां थी, सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को लोग उस दिन पाया है करके हम देख रहे हैं। वैसे ही आज देख यीशु मसीह का प्रेम में हम बने रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दुनिया में कैसा भी परिस्थिति है, उसका पीछे हम आए तो हम अंत तक खड़े रहना चाहिए। हम छोड़कर परिस्थिति बदल गया है तब हमारा प्रेम भी नहीं बदलना चाहिए। हम जैसा बपतिस्मा हम लेते हैं तब हम अंत तक उसको जैसा भी एक वाचा हम बांधते हैं यीशु मसीह के साथ, वैसे वो वाचा को हम कभी भी तोड़ने वाला नहीं रहना चाहिए। ये बहन लोगों को हम देख रहे हैं कैसे उन लोग अंत तक यीशु मसीह का साथ रहा, वहां देखिए उन लोगों को एक नया अनुग्रह को लोग सब पाया है, एक नया नियम का विश्वासी भाई बहन सब बन गया है। यीशु मसीह को लोग हमेशा युगान युग उनके साथ उनके अपने अंदर उन लोग पा लिया है करके हम देख रहे हैं। लेकिन आज हम भी ऐसे यीशु को हम ऐसे ही फॉलो करने वाला रहना चाहिए, उसको हम सेवकाई करना चाहिए, उसका प्रेम में हम बने रहना चाहिए। केवल उसके पास हम आते हैं, अद्भुत काम पाते हैं, बस इतना में नहीं होना चाहिए, हम उसके प्रेम के अंदर हम आना चाहिए। उसका पवित्र प्रेम हमें कितना सामर्थ्य देता है, हमें पवित्र करता है, हमें एक हिम्मत देता है,
हमको खड़ा करता है, उस विश्वास को हमारे अंदर वो देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज उस प्रेम में हम बने रहना चाहिए। वहाँ आनंद है, वहाँ इससे ही आनंद है, उसी आनंद में हम बने रहेंगे तब उनका बोझ को हम जान सकते हैं। तब उनका बोझ क्या है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बताते हैं, तब उसका ज्ञान का प्रकाशन हमें मिलता है, तब हम एक बुद्धिमान स्त्री होकर हम अपने घर को बांधना चाहिए, हमारा देश को बांधना चाहिए, हमारा कलिसिया का जवान लोगों को हम बांधने वाला रहना चाहिए। हम तोड़ने वाला, नाश करने वाला नहीं होना चाहिए। हम बहुत समय ऐसे अपना मुख का शब्दों को परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें ऐसे औरत लोगों को चुन लिया है तो उसके लिए कुछ मकसद होगा, वो मकसद को हम पूरे करने वाला रहना चाहिए। हम मकसद को छोड़कर हम कुछ अपने ही मकसद में ऐसे हम दूसरे मालिक को हम सेवा नहीं करना चाहिए। हम जिसके लिए हम बुलाए गए, हम भलाई करने के लिए, भलाई करके दुख उठाना है, हम बुराई करके उसके द्वारा मिलने वाला दुख वो हमारे लिए वो लाभ नहीं है, वो हमारे लिए एक महिमा नहीं है। लेकिन हम भलाई करके दुख उठाना है। हमारा यीशु मसीह ऐसे भलाई करके दुख उठाया, वो किसी को भी अन्याय नहीं किया, किसी को भी बुराई नहीं किया है। ऐसे ही यीशु मसीह को हम पीछे हम आए हैं, उनको हम पीछा करते हैं तो हम उनका प्रेम में हम बने रहना चाहिए, उनका विश्वास में हम बने रहना चाहिए, उनका भलाई काम हम भी करते रहना चाहिए। भलाई करके हम दुख उठाना चाहिए, हम बुराई करके दुख उठाने वाला नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारा शब्दों के द्वारा हम लोगों को जीवन को हम बांधने वाला रहना चाहिए, हम बनाने वाला रहना चाहिए, हम तोड़ने वाला, नाश करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते हुए हर दिन उसके विश्वास के मार्ग में हम चलते रहना चाहिए। हम देख रहे हैं पुराना नियम में भी स्त्रियों के बारे में हम देख रहे हैं, आज बहुत थोड़े लोगों के अंदर ऐसे एक विचार है, स्त्री लोगों के द्वारा क्या है, ऐसे करके स्त्री लोग कितना अभिषेक पाए हुए लोग, कितना वचन जानकारी पाए हुए लोगों को भी लोग जगह मतलब चांस नहीं देते हैं, लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे ही बहुत जगह पर ऐसे लोग दबाते हैं, नहीं स्त्री है तो यहाँ नहीं आने का, वहां नहीं आने का। लेकिन हम देखिए परमेश्वर का सेवकाई में स्त्री लोगों के लिए भी परमेश्वर ने एक स्थान दिया है। सब लोगों को जैसा ऐसा नहीं, आप लोग स्त्री है इसलिए सेवा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे करके उसको अलग नहीं किया है। देखिए हमारे लिए यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए उसको यही क्वालिफिकेशन यही हमें चाहिए। हम कलातियों में हम देख रहे हैं, तीसरा अध्याय में आप पढ़ सकते हो, हम यीशु मसीह को विश्वास कर उनको अंदर हम बपतिस्मा लेंगे तब हम उनको पहन लेते हैं। तब यहूदी हो, हम जो भी भाषा बोलने वाला, जो भी गुलामी होगा, कोई भी लोग होंगे, हम आदमी हो औरत हो कोई भी ऐसा नहीं है, हम सब मसीह के साथ मसीह के अंदर हम एक हो जाते हैं। इसलिए हम औरत लोग भी ये नहीं सोचने का हम मसीह के अंदर सब एक है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर ये भी हमें सिखाया है, हमारे लिए दिया हुआ हम नेतृत्व को नीचे हम आदिन में रहना चाहिए। हमको ऐसे परमेश्वर का प्रेम कभी भी ऐसे बातों को विरोध नहीं करता है। परमेश्वर का यीशु मसीह का पीछा करने वाला हमेशा प्रेम में ही चलते हैं। वो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं, उन लोगों का चाल चलन में एक पवित्रता रहता है। अभी बस मेरे लिए सब है, मैं सब, हम सब एक ही है करके उन लोगों को अंदर एक घमंड का आत्मा कार्य नहीं करना है, वो दुष्ट आत्मा का पीछा वो लोग करते हैं। यीशु का पीछे जो लोग है उन लोग नम्रता से रहते हैं, वो लोग प्रेम से रहते हैं, उन लोग पवित्रता में लोग चलते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए वो हमें बुलाने वाला पवित्र है, हम भी पवित्र रहने के लिए हमें भी बुलाया गया है, उनका पवित्र लघु से हमें अलग किया है। इसलिए ऐसे ही हमारा चाल चलन में एक बदलावट होगा, जैसा हम देख रहे हैं पुराना नियम में भी
परमेश्वर का भय मानते हुए दो स्त्री लोगों के बारे में हम वहां देख रहे हैं। निर्गमन का 1:15 में आप देख सकते हो, वहां दो नर्स है। तब उन लोग ने, वहां क्या हो रहा है, तब इसराइल लोग वहां बढ़ते जा रहा है, तब फिरौन को बहुत गुस्सा हो रहा है, इन लोग हमसे लोग बढ़ जाएंगे क्या, तब इन लोग हमको सताने लगेंगे करके ये प्लान करता है। तब कैसा भी जो भी लोगों को हम दबाना चाहिए करके नर्स लोगों को दोनों को बुलाया, ऐसी बात किया, आप जिसको डिलीवरी देखेंगे, तब जो भी लोग इब्रानी स्त्री लोग आपके पास आएंगे, आप उसको जन्म से जो लड़का जन्म होते हुए आप देखा उसको आप क्या करना चाहिए, मार डाल देना चाहिए। लड़की जन्म होगा आप उसको छोड़ देना चाहिए, आपको हम पैसा देंगे करके वो लोग ने बातचीत करके वो ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो सरकार के तरफ से वो ऑर्डर आया है। लेकिन यहां हम देखेंगे वो लोग क्या किया, सब मार डाला क्या, नहीं, वो लोग परमेश्वर के भय माना। उन लोग इसलिए देखिए वहां भलाई काम करते हुए हम देख रहे हैं, उन लोग ने इंसान को डरा नहीं है, उनको परमेश्वर का ऊपर एक विश्वास है, परमेश्वर का जनता लोगों को ऊपर एक अनुग्रह लोग दिखाया हम करके हम देख रहे। इसलिए परमेश्वर क्या किया, उन लोग ने ऐसे ही आके बोला, फिरौन राजा ने आके पूछ रहा है आपको मैं जो बोला वो आप लोग नहीं माना है क्या, तब इन लोग ने ऐसे ही जवाब दिया ज्ञान के साथ, नहीं, हम जाने के पहले ही उन लोग डिलीवरी हो जाता है, वो लोग सामर्थ पाए हुए लोग, वो लोग हम जाने के पहले ही वो लोग बच्चा जन्म हो जाता है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे करके उन लोग ने ऐसे ही जवाब दिया। परमेश्वर ने इनको क्या, इन लोग भलाई किया, वहां हम देख रहे भलाई किया, उन लोग परमेश्वर का जनता लोगों को उन लोग भलाई किया, परमेश्वर उनका परिवार को उन लोगों को भलाई किया, उन लोग बड़ी सामर्थ पाकर वहां बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है करके हम देख रहे है। देखिए परमेश्वर का वचन के अनुसार हम उनके भय मानते हुए हम चलने वाला रहना चाहिए, हम विश्वास में उसका ऊपर रखा हुआ प्रेम में हमें एक विश्वास आता है, वो विश्वास में हम हर दिन हमारे विश्वास को उपयोग करने वाला रहना चाहिए, हमारा विश्वास हमारे बच्चे लोगों के अंदर, हमारा पीढ़ी पीढ़ी के अंदर वो बढ़ते वो स्थिर रहना चाहिए। केवल हमको देखते रहेंगे हमारे बच्चे लोग, हम ये नहीं सोचने का बस हम आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो शैतान को फॉलो कर रहे हैं, ये सब आपका बच्चे लोग आपका परिवार वाला जरूर देखेंगे। शायद हो सकता है दूसरे बाहर किसी को नहीं पता होगा बाहर के रीति से, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा सब जानते हैं। आप देखिए आज ऐसे दुनिया इतना बुरा में जा रहा है, इतना दुष्ट कामों से देश भरा हुआ है, इसलिए हम बच के रहना चाहिए, तो हम यीशु को पीछे ही हम चलना चाहिए, हमेशा हमारा जीवन भर हम उनके साथ उनका पीछे ही करने वाला रहना चाहिए, उनके मार्ग में हम चलते रहना चाहिए। हम दुनिया के मार्ग में हम जाएंगे, हमारे लिए जो भला है ये मार्ग सही है करके जो दिखता है वो मृत्यु का मार्ग है, लेकिन हम यीशु मसीह का मार्ग में हम जाएंगे वो हमारे लिए आनंद मिलती है, हमारे लिए सुख मिलती है, वहां हरा भरा रहता है, वहां बहुदायत का जीवन रहता है। जैसा हम ये नर्स लोगों को, जैसा परमेश्वर के जनता लोगों को इन लोग भलाई किया, इसलिए परमेश्वर इन लोगों को भी भलाई से तृप्ति किया है करके हम देख रहे हैं, वैसे हम भी भलाई करने वाला रहना चाहिए। वैसे नया नियम में भी हम देखेंगे तो वहां अपोलो करके नामक का एक यहूदी था, वो बहुत ऐसे वचन को पूरा जान, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जाना हुआ एक व्यक्ति था। तब वहां एफेस शहर में आकर वो वचन को बता रहा था, तब वहां देखिए एक परिवार ने उसको देखा, आकिला और प्रिस्किला करके, तब उन लोग ने वहां उसको जानकर अपने उनको लोग देख लिया इनके अंदर कितना उत्साहिक है करके, एक धुन है करके उन लोग जान लिया अपने पास, उन लोग उसको स्वीकार किया, तब उनको और भी पवित्र आत्मा के बारे में अनुग्रह के बारे में अच्छी तरह से वचन को समझाया, तब देखिए स्वीकार किया, तब वो क्या वो व्यक्ति कैसे बन गया है, यहूदी लोगों को
सात आंखें ऐसे ही बोलता था, अन्नग्रह का संदेश सही आप लोग विश्वास करो करके उसको बोलने लगा। तब जो जो लोग अन्नग्रह को विश्वास करते थे उन लोगों को सहायता करने वाला, एक मदद करने वाला बन गया है। हम देखिए एक ही व्यक्ति था, एक ही था, उसको लोग ने सहायता किया, सपोर्ट किया, तब उनके द्वारा कितने लोग उस दिन आशीष पाया हुआ है। इसलिए आज हम ये नहीं सोचने का बस ये एक ही है, इनको हम बोलने से, इनको हम प्रार्थना करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए जो भी सेवकाई करते हैं वो बहुदायत का आशीष हमें जरूर मिलेगा। हमारा जवान लोग, हमारा कलिशिया के जवान लोग, आज आपको ऐसे लगता होगा वो ऐसे ऐसे ले ले घूमता है, ऐसे करता है करके, लेकिन आप एक आत्मिक विचारों से, आत्मिक नजर से हम देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे ही अकेला प्रिस्किला, उनको ऐसे नजरों से लोग देखा, परमेश्वर का भय मानते हुए, जैसा नर्स लोगों का नजर ऐसे ही था, उन लोग वो ही देखा। तब वहां देखिए उन लोगों को ऐसे एक व्यक्ति मिला, परमेश्वर का अनुग्रह को जो लोग विश्वास करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति को लोग ने पा लिया है। वैसे ही हम भी हमारा जवान बच्चे लोगों के लिए एक ऐसे सहायता करने वाला, ऐसे उनके लिए एक विश्वास की शब्द बोलने वाला, प्रार्थना करने वाला हम रहना चाहिए। हम ऐसे ही लोगों को हम स्वीकार करने वाला रहना चाहिए। हम पुराना नियम में हम देख रहे जैसा राघव करके वो स्त्री थी, वो देखिए परमेश्वर का अद्भुत काम, वहां कितना देश का राजा लोगों को बीच में क्या क्या अद्भुत काम किया है, वो सब को सुनकर वो विश्वास करती है। हाँ मैं आपका जैसा यरीगो शहर में लोग आकर उन लोग जासूसी करने के लिए लोग आ रहे हैं, उन लोग अपने पास वो राघव ने विश्वास के द्वारा वो अपने पास उनको स्वीकार किया। इसलिए शांति के साथ वो उनका परिवार सब बच गया है करके हम देख रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए, उनका जनता लोगों के लिए हम सपोर्ट करने वाला, हम भलाई करने वाला हमको रहना चाहिए, तब हम भी बच जाते हैं, हमारा परिवार भी बच जाता है। जैसा वो स्त्री ने किया है, उनका परमेश्वर ने आशीष किया है, उनका परिवार को बचाया है। ऐसे हम आज एक दून के साथ हम खड़े रहना चाहिए, हम हमेशा परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़े हुए रहना चाहिए। अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हुए रहना चाहिए, मुझे समय नहीं है, ऐसा करके हम आलतू फालतू ऐसी दुनिया को हम फॉलो करने वाला नहीं रहना चाहिए। आप अन्य भाषा में यीशु के साथ आप आत्मा में भरते हुए रहेंगे, तब परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा आपके द्वारा लोग देश में आपके द्वारा जनता लोगों को एक छुटकारा देंगे। जैसा एस्तर रानी के द्वारा वहां हम देख रहे आमान के हाथ में फंसे हुए लोगों को वो कैसे छुड़ाने के लिए राजा के पास जाके वो बात की, वैसे ही वो हमारे लिए आज हमारा राजा यीशु का दया हमें मिला है, उसको दया मांगने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए देखिए ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा आज हम दया पाए हुए लोग, हम अनुग्रह पाए हुए लोग, हम ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें ऐसे एक राजपद हमें मिला है, हमें याजक के समान हमें बुलाया है। इसलिए हम प्रार्थना का सेवकाई हम कर सकते हैं। हम ऐसे औरत है, हम ऐसे क्या है, नहीं है, हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने के लिए हमें बुलाया है। हम अपने आप को थोड़ते हुए मेरे से कुछ नहीं होगा ऐसा करके नहीं बैठना चाहिए। हम तो कुछ भी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के लघु के द्वारा, उनका अनुग्रह के द्वारा, उनके द्वारा ही आज परमेश्वर के हाथों में हमको एक बहुमूल्य हमें वो बनाया है। हमें ऐसे परमेश्वर देख रहे हैं, इसलिए हम भी ऐसे हम देखना चाहिए। हम टूटा हुआ एक मटका के समान थे, हमारे अंदर देखिए टूटा हुआ मटका के अंदर, जैसा आप एक दीपक को नहीं तो एक कैंडल को आप जला कर रखिए, कितना उसका रोशनी आएगा, तब कितना वो महिमा से वो दिखेगा वो मटका। वैसे ही आज परमेश्वर का खजाना पवित्र आत्मा जीवन की ज्योति आज हमारे अंदर है, इसलिए आज हम ऐसे महिमा में प्रकाश हमारे अंदर है। परमेश्वर हमारे द्वारा यह अंधेरा में फंसे हुए लोगों को एक ज्योति उजाला दिखाने के लिए परमेश्वर हमें रखा है। हम भलाई करने वाला रहना चाहिए, जैसा हम देख रहे हैं
तविता यो नामक का वो एक स्त्री थी, वो पूरा जैसा उनके पास जो भी लोग आते थे, विधवा लोग, सब लोगों को, गरीब लोग सबको, उनसे जो हो सकता था वो भलाई करती थी, कपड़ा सिल सिल के देती थी। तब अचानक से एक दिन मर गया, तब उन लोग ने पतरस को बुलाया, तब उन लोग प्रार्थना करवाया वहां, तब लोग रोने लगे, देखिए ये बहन ने हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा मदद की, कितना कितना भलाई की करके, तब रोने लगा। तब देखिए वहां परमेश्वर उसका जीवन को वापस दिया है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका पीछे करने वाला, उनका पीछे कर भलाई करने वाला, उनको पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उनको मुंह को प्रकाशित कराते हैं, प्रकाशित रखते हैं, इसलिए हम उनका पीछे ही करना चाहिए। हमारे पास जो है टैलेंट है, जो भी कुवियत है, जो भी पैसा है, उनके द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए हम सेवकाई कर सकते हैं। यीशु मसीह का सेवकाई में भी लोग आए थे, बहुत स्त्री लोग आए थे, कोई लोग ऐसे अलग अलग तरीका से उन लोग पर वो सेवकाई में सहायता किए होंगे। वैसे हम भी पैसा के द्वारा, कुछ अच्छे भलाई शब्दों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा, सुसमाचार बताने के द्वारा, हम ऐसे एक सेवकाई करना चाहिए। हम ऐसे नहीं होना चाहिए पूरा दिन हम दूसरा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दुनिया को पूरा फॉलो करेंगे, समय लास्ट होने के समय हम यीशु को, वो नहीं है। वो क्या हो जाता है, दो मालिक को हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हम यीशु का पीछे ही चलेंगे, वो कोई भी परिस्थितियों में, कोई भी समय में उनको नहीं छोड़ना है। हम उनका प्रेम का सामर्थ्य में, हम उनका प्रेम में हम बने रहना चाहिए, उनके साथ ही हम जुड़े रहना चाहिए। हम दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, खड़वी, वो पूरा खड़वा से वो सूखापन ही वहां आता है, क्योंकि वहां सूखा हुआ है, दुनिया पूरा शैतान के वश में पड़ा है, उनके पूरा वो सूखा हुआ है, सामर्थ्य नहीं है, वो पूरा ऐसे ही परिस्थिति में है। तब उनके साथ ही हम जुड़े हुए रहेंगे तो वहां से हमें मृत्यु आएगा, दुख आएगा, रोना आएगा, बीमारी आता है, लेकिन हम ऐसा नहीं, यीशु के साथ हम जुड़े रहने से हमें जीवन मिलती है, हमें आनंद मिलती है, हम दूसरे के लिए आशीष का कारण हम रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बहन, प्रिय भाई लोग, आज हम उनके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, जवान लोगों को उठाने वाला रहना चाहिए। देबोरा के समान वो क्या किया, पूरा वो वहां पारा को खड़ा की, उनको उत्साह की, तू जाओ करके, वैसे ही उसको बा उसी का संभव में हम देख रहे हैं, जाहिल करके वो अपने घर के अंदर वो छुपने के लिए आया, वो सिसेरा को पूरा अपने घर बनाने वाला वो तो गिल्ला से उसका पूरा मारी, ऐसे सामर्थ्य मिलती है। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ दुष्ट शैतान को, दुष्ट आमान को हम क्या करना चाहिए, नाश करने के लिए हम खड़े होना चाहिए। हम ऐसे चुपके से, हम ऐसे किचन के अंदर बस मेरे से इतना ही होगा ऐसा करके नहीं बैठना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम विश्वास की ऐसे ही बीज हमारे संदधि में, हमारे बच्चे लोगों को बीज में हम बो सकते हैं, हमारे परिवार के अंदर हम बो सकते हैं। जैसा हम लीदिया के बारे में हम देख रहे हैं, पौलुस ने वहां जाकर सेवकाई किया, जैसा नदी के किनारे में जो भी लेडीज लोग आते थे वहां जाकर पौलुस ने प्रचार किया, प्रार्थना किया, तब उसी में से एक स्त्री का हृदय को परमेश्वर ने खोला। तब वहां से देखिए वो पूरा वो अपने परिवार वाला सब मिलकर वहां बपतिस्मा लिया, फिर उन लोग वो पौलुस को अपने घर पर वो बुलाई करके हम देख रहे हैं। वैसे ही हमारा हृदय होना चाहिए। आज हम भी हमारा परिवार में जो जो लोग अभी यीशु को स्वीकार नहीं किया है उनका हृदय को खोलने वाला हम रहना चाहिए, और भी उनका हृदय को लॉक करने वाला हम नहीं रहना चाहिए। हमारा घर के अंदर एक विश्वास की वातावरण को हम लेके आना चाहिए, एक पवित्र आत्मा को उपस्थिति को हम लेके आना चाहिए, ऐसे माहौल को हम बना के रखना चाहिए। हम अपने घर में एक आनंद, एक आरोग्यता का, एक सामर्थ्य का वचन को ऐसे ही बनाना, मतलब बोलना चाहिए, हमारा घर को हम बांधना चाहिए यीशु के अंदर। हम बुद्धिमान होकर, हम बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बांधती है यीशु के ऊपर, अपने घर को बांधने वाला स्त्री हम होना चाहिए। हम ऐसी निर्भूति होकर अपने घर को तोड़ने वाली स्त्री नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह आज हमें ज्ञान देंगे, वो हमें
जो हमारे पास है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, आप उनसे भलाई कीजिए, यीशु मसीह के लिए सेवकाई कीजिए, प्रभु के बच्चे लोगों के लिए आप सहायता कीजिए। जितना है हम देख रहे हैं, वो दो सिक्का डाली थी वो विधवा, तब देखिए वही परमेश्वर का हृदय से अपना पूरा प्रेम से करना चाहिए, नाम के लिए नहीं है। दूसरे लोग मुझे देखे, मुझे तारीफ करे, ऐसा नहीं। यीशु के कोई भी मुझे प्रतिफल यहाँ से मिलेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, वो आप उसको नहीं देखना चाहिए। हमको यीशु मसीह का ऊपर जो प्रेम है, वो हमें कितना किया है, उसका प्रेम का सामर्थ्य से हम ये सब करना है। परमेश्वर का प्रेम हमें ये सब करवाने के लिए सामर्थ्य देता है, उसका प्रेम के लिए धन्यवाद। आज ऐसे प्रेम का रिश्ता हमें मिला है, आज हम सब छोड़कर, दुनिया का मोह माया छोड़कर, हम यीशु को हम पीछे करना है, यीशु को हम सेवकाई करना है। आपके पास जो है उसी से आप सेवकाई, जैसा हम देख रहे हैं एलिया को सारी बात विधवा ने अपने पास जो था उससे उनको मदद, इसलिए वो अकाल के समय भी उसका घर भरपूरी से रहा। वैसे हम देख रहे सुनेमिया करके वो स्त्री, वो भी देखी अपने घर पे, वो सेवक आता था वो रहने के लिए अपने घर पर घर बना के दी, इसलिए उनका बच्चा मरा हुआ बच्चे को भी वो वापस आ लिया है। परमेश्वर किसी को भी, आप कितने आप भलाई काम करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कुछ मुझे नहीं मिल रहा है करके, लेकिन आपको बहुदायत से यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। आज कितने आप भलाई काम करते दुख उठाते होंगे, लेकिन आज आप निराश नहीं होना है, ये सब मिट जाएगा। यीशु मसीह आपका सब बहुदायत से आपको तृप्त करने वाला है, इसलिए आप खुशी से आनंद से यीशु मसीह के अंदर आप बने रहना है। आदि प्रेम में बने रहिए। शायद आप पीछे हट गया होगा, परिस्थिति आपको पीछे धक्का दे दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम आपको वापस दृढ़ करता है, आपको उठाता है, बुलाता है। ये यीशु के पास आकर उसका प्रेम में बने रहिए, उसके लिए फल देने वाला जीवन हम जीना है, उनका पीछे ही हम जाना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी लोग, हम यीशु मसीह से हमें अलग नहीं करना है, हम सब में जय पाएंगे यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा, हम सब में जय पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका ये प्रेमी वचन के लिए, धन्यवाद। आप हमें बुलाया है, चुन लिया है, अभिषेक किया है प्रभु, आप हमें उपयोग की। हर एक भाई बहन जो भी लोग इसको सुन रहे प्रभु, सबके लिए प्रभु आप जो बुलावट जो मकसद रखा है सबको पूरा करना है प्रभु, उसको उपयोग करना है प्रभु, आपके लिए आशीष का कारण रहना है प्रभु। उनका आशीष की सुनने वाला हर एक को प्रभु आप हर बंधन से हर बीमारियों से छुड़ाइए प्रभु, आपका आनंद से तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।